फिर मैंने नाश्ता किया था मूंग का, और उसके बाद में मैं आ गई थी ज्वेलर के, सीधा गोल्ड पैलेस ज्वेलर है छोटवाड़ा में, इनकी शॉप है, एक सिटी में भी है। एंड यहाँ का कलेक्शन इतना ऑसम है, ये देखिए कितनी सुंदर ज्वेलरी, हर तरह की ज्वेलरी इनके पास मिल जाती है। हेलो, वेलकम टू माय चैनल सपना मनोहर। कैसे हो आप लोग? होपफुली सब अच्छे होंगे, सेफ होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सुबह मॉर्निंग में मैंने आपको दिखाया था कि थोड़ा सा ब्रेकफास्ट किया, तो उसके बाद मैं शूट नहीं किया क्योंकि आज मुझे कुछ शूट करना है और मैं आप लोगों के लिए इतनी सुंदर ज्वेलरी दिखाने वाली हूँ। रियल ज्वेलरी है वो, मैं आपको दिखाऊंगी। बहुत ही प्यारा शूट होने वाला है दिवाली पे, कैसे आप क्या कर सकते हैं वो भी आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा। इवन आने वाला जो वेडिंग सीजन है उसके लिए आपको आइडिया मिल जाएगा। और इतनी प्यारी कुंदन की ज्वेलरी मैं आपको दिखाने वाली हूँ। इफ अगर आपके घर में शादी है तो आपको वो दिखने को मिल जाएगा। और मैं आई हूँ ससुराल में, शूट मैं यहीं पे करूंगी, साथ में मेरे हैं अरविंद जो कि मेरा शूट करेगा। ही सो हेल्पफुल ना, दो तीन दिन से काफ़ी हेल्प करी है मेरी। अभी हम जाके सारा हमने सॉर्ट आउट किया, मैं फटाफट से बस तैयार होंगी। और आज मैं ना नाई भी नहीं, और ऊपर से शॉप के अंदर हमने इतनी जो अच्छी एक्टिंग करी है लोगों को, तो स्टैंड थे वहाँ पे जो शायद कब से घूरे जा रहे थे तो ये नजरें नहीं मिला पा रहे थे उनसे कि मैं नाई भी नहीं हूँ। फिर मैंने बोला कि बाल थोड़े से बिखेर लो ताकि लगे कि बाल धोए तुमने आज और नाए हो। वैसे भी आज तुम्हारे इतना हंसा आता है बुरी तरीके से। हमारा कानी आज, कानी हाय बोलो, से हाय। कानी काफी दिनों बाद वीडियो में आया है। सो फर्स्ट लुक मेरा कंप्लीट हो चुका है। एकदम पता है जोधा बाई वाला लुक आ रहा है, जो आप पहले सीरियल आता था जोधा अकबर, सेम वैसा का वैसा लुक आ रहा है। ज्वेलरी बहुत प्यारी, रियल सिल्वर की ज्वेलरी है। एंड आप लोग जो रिक्वेस्ट कर रहे थे कुंदन में सिल्वर की ज्वेलरी, मैंने अभी वो वियर करी है, कानों की मैं भी पहनूंगी। और ये सारी जो ज्वेलरी है गोल्ड पैलेस की वाली की है। आज मैं जितनी भी ज्वेलरी पहनी हुई गोल्ड पैलेस ज्वेलर की है, जो कि झोटवाड़ा में है, जिनका एड्रेस अगर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, लिंक भी फोन नंबर स्क्रीन पे आ रहा है। सो मैं आपको फुल लुक भी दिखाती हूँ। तो हमारा फर्स्ट शूट चल रहा है, हम लोग दो तीन सीढ़ियाँ छोड़ छोड़ के कहाँ करते करते बाहर लॉन में आ गए हमारे। और ये हमारे फोटोग्राफर जी, और ये हमारी हालत। और मम्मी अभी चाय बना के लाई है अरविंद के लिए। तो अरविंद पीता नहीं है लेकिन कहा कि आप बना के लाया, मैं पी लेता हूँ। पी लो फटाफट, फोटोज हमारी कम्प्लीट हो गई एक ड्रेस में। अभी तो हमें 4:30 से बज गए, 3 पोशाके और है, एक ही कम्प्लीट नहीं हुई है। कैसी लग रही है मैं ज़रूर बता देना। हमें तो फुल वो जोधा वाला वो आ रहा है एकदम फील। बाकी अब रील्स में देखना। हाँ, बाकी आप आँखों में आपको रील्स फोटोज देखने के लिए मुझे इंस्टा पे फॉलो करना पड़ेगा। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है ऑफिशियल सपना मनोहर, और जो हमारे वीडियोग्राफर हैं वो है अरविंद, तो आप इनको भी फॉलो कर सकते हैं। अरविंद शेखावत, नन्नू अरविंद शेखावत, मैं इंस्टाग्राम लिंक दे दूंगी। मैं चाय ठंडी पीते हो गए, तुम सटक जाओ एक बार में। चाय टेस्टी नहीं करेगी गाँव में बैठ के। गाँव के, हम खेतों में बैठे गाइस, हम खेतों में बैठे, लावणी आ रही है, पोशाक पहने हुए गाइस। इनको देखो, वीडियोस के लिए कैसे तैयार होके बैठे हैं। ये टी ब्रेक चल रहा है जब तक, ये कहीं और ही बिजी है। ड्यूटियां चली गई इसमें, गौर से देखो इस चेहरे को। नहीं और नहीं है। और एक और राज की बात ये सुन लीजिए गाइस, ये बिना नहाए बैठे हैं आज। बस सिर्फ मेकअप चपड़ लिया इन्होंने। क्या प्रूफ है तुम राज में नहीं हो? प्रूफ ना किया, प्रूफ तो 5 बजे उठ गए। प्रूफ, हां प्रूफ तो सबको पता है। वो तो आपके उन एक सब्सक्राइबर को भी पता जो हमें वहां पे शॉप पे मिले थे। देखो गाइस, और ये अपना लुक ज्यादा वो करने के लिए इन्होंने हाइलाइटर इतना यूज किया है। अब कौन कहते इनको बिना नहाए हुए। ये मेकअप का कमाल है, जो इतना बड़ा इनका वैनिटी बॉक्स है उसका कमाल ही है। तो गाइस ये है जीजा का फाइनल लुक जिसको हम करने वाले शूट। और ये जो सारी ज्वेलरी है गोल्ड पैलेस की है, जिनकी आपको एड्रेस वगैरह सब मिल जाएगा और जिनका लिंक वगैरह सब मेरे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। बहुत प्यारी ज्वेलरी है, सिल्वर की ज्वेलरी है, फुल कुंदन वाली। पोशाक के लिए आपको मैं पेज बता दूंगी, अंगरखी करके पेज है, इंस्टाग्राम पे आपको बता दूंगी। और ऑल्सो उनका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, तो सारी पोशाकें वहीं से हैं। सिल्वर का पर्स भी है, फिर हम दूसरा चेंज करेंगे। सो फिर आपको फटाफट से मिलते हैं।
और ये हमारे सेकंड शूट की तैयारी चल रही है, जिसमें अरविंद देखिए कितने डेडिकेशन से मेरे लिए दिवाली का एक हम लोग कुछ दिवाली के लिए लाने वाले हैं। ये अपन दिवाली में पोस्ट करेंगे ना ये वाली तो। और ये हमारी मम्मी सोती रहती हैं हाँ। और जो लोग बोल रहे थे आपकी जेठानी को दिखाओ जेठानी को दिखाओ, सो जेठानी इज हेयर। काम कर, मैं काम करती हूँ इसीलिए नहीं लेके आती हूँ इनको इसलिए नहीं लाती। ये अभी सफाई करके हटी है, आज कंप्लीट हुई है सफाइयाँ पूरे करके, मैंने अकेले सफाइयाँ करी है। फंस गई बेचारी अब की बार पापा का व्रत है मतलब ट्यूसडे का, हाँ तो भैया पापा का शरीर है उसमें खाने में लग रहे हैं। ये मेरा सेकंड वाला लुक है, भी आपको कंप्लीट दिखा दूंगी मैं क्या आपको बता दें नकली फूल हाँ है ना। हम यहाँ पर ये वाला शूट कर रहे हैं एंड अरविंद देखिए कितनी मेरी हेल्प कर रहा है, पूरा दिन बेचारे ने शूट हो रहा है दीदी काम छोड़ लो, मैंने पहली बार देखे हैं सिर्फ व्लॉग शूट कर रहे हैं काकी सब वो है ना काम छोड़ रहे इसलिए आपको कैसा लग रहा है मेरा ये वाला लुक जरूर बताना मुझे, मतलब उसमें जोधा वाला फील आ रहा है, इसमें पद्मावत वाला लुक आ रहा है ना, अपन जो सोच रहे थे ना वो ये लुक है, अपन कितना अच्छा रिक्रिएशन कर सकते थे ना यार। आलसी लोग हैं ये लोग, इनमें कुछ भी नहीं कर सकते ये एक तैयार होने में 3 घंटे लगाते यार। मैं ना सच्ची बोल रही हूँ, मैंने कुछ मेकअप नहीं किया फिर भी कह रहा हूँ 3 में, मैंने सिर्फ काजल लगाई लाइनर और लिपस्टिक, उसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं लगा रखा है, मेरे को ब्लश भी नहीं लगाया निविया तुमने। मेकअप हो चुका है, इनका पैकअप हो गया है, मेरा दांत टूट गया है और यहाँ इनके पार्टी हो गया है। पार्टी हो रही है हाँ। मैं दिवाली पे आ जाऊँ? हाँ। पटाखे दिलाने की जरूरत ही नहीं है। ऐसे आ जाऊँ? हाँ। फिर अपन ना खूब मस्ती करेंगे ना? हाँ। पटाखे छुड़ाएंगे खूब सारे। हाँ। और कई दिन के पैकअप में मेरे को हेल्प करना। ये लो तनु, आपकी सबसे बड़ी हेल्प ये होगी कि आप ना वहाँ जाके बैठ जाओ, बस इतनी सी हेल्प कर दो मैं ब्लॉग करूँ इनका क्योंकि ये घूम रहे हैं बेटा। देखो कितना सारा सामान, एक बार मैं आपको सामान दिखाऊं ज़ूम करके। तनु आगे से कितनी हार्ड वर्किंग है। हाँ कब करने लगी थी मैं आज स्टार्ट है कल मैं कब हुई थी स्टार्ट आज कर लूँ। गुड मॉर्निंग, आप मेरी आईज देख सकते हो कि मैं ना मेरी नींद पूरी नहीं हो रही है, कल आपने शूट देखा था मैं आपको सेकंड वाला लुक कंप्लीट दिखा भी नहीं पाई थी क्योंकि इतना ज़्यादा लेट हो चुका था हम लोगों को, मैं घर से 11 बजे निकली थी कल और ऑनेस्टली बता रही हूँ मैं कोई झूठ नहीं बोल रही, मैं बिना नहाई हुई हूँ घर से, मतलब कल मैं हाँ मैं उस टाइम पर काम वाम कर रही थी बस जिम से आके, फिर इतने में हमारा प्लान हो गया तो उसने कहा नहीं जीजा लेट हो जाएंगे बहुत ज़्यादा, तो मैं क्योंकि कैसे कैसे निकल गई थी क्योंकि चीज़ें हमने कहीं और की सोची थी बट वो प्लान आउट नहीं हो पाई थी, तो मैंने मेरे घर पे ही कर ली थी एंड थैंक गॉड मैंने घर पे ही कर ली क्योंकि इतनी ब्यूटीफुली सब कुछ हो गया था कंफर्टेबल जोन में होके, और ज्वेलरी हमारे पास सारी रियल है, मैं सारी की सारी ज्वेलरी रियल पहन रही हूँ तो वो भी रिस्क नहीं था कहीं और जाने का, तो बस यही कल शूट किया, 2 पोशाकों में ही हो पाया, सेकेंड वाली पोशाक में जो दिवाली वाला हमें लेना था वो तो आ गया था और वो पोशाक इतनी प्यारी लग रही थी सच में बता रही हूँ, वो पोशाक मैंने और जो मेरी जेठानी साहब जीजा उन्होंने भी सोचा है कि हम लोग उस पोशाक को बनवाएंगे अलग अलग कलर्स में, वो पोशाक बहुत प्यारी है संगीत के लिए इस तरीके की फेस्टिव सीजन के लिए तो बहुत प्यारी है, अभी शादियाँ भी आने वाली है वो मतलब पहनने में बहुत कंफर्टेबल है और दिखने में हैवी है और इतनी लाइट वेट पोशाक है वो, तो वो पोशाक जो है वो रंगजरी पेज से है जो कि मैं लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी आप उस पेज से बनवा सकते हो, ऑल्सो अगर आप चाहें तो मैं फ़ोन नंबर भी स्क्रीन पर दे दूंगी, उनका मेनली काम सिल्वर की पोशाकों का चंदेरी के पोशाकों का है, बाकी जो पोशाकें मैंने पहनूंगी मतलब आज है 2 पोशाकों का शूट और कल मैं एक पहन चुकी थी लेमन और ब्लू कलर वाली वो है अंगरखी पेज से, तो उनका भी मैं लिंक दे दूंगी बहुत प्यारी पोशाकें, और सारी की सारी ज्वेलरी जो है वो गोल्ड पैलेस ज्वेलर से है, इफ़ अगर आप बनाना चाहते हो ना तो देखो मैंने जो सिल्वर वाली पहनी थी वो ओरिजिनल सिल्वर कुंदन में थी, बाकी जो मैं ज्वेलरी पहन रही हूँ वो सिल्वर के ऊपर
गोल्ड पॉलिश है, तो आप खुद देख सकते हो कि बिल्कुल पता नहीं चल रहा है, तो आप ये वाली ज्वेलरी बनवा सकते हो, बहुत प्यारी ज्वेलरी है। तो कल मैं घर पे लेट आई थी 9:30 बजे ऐसे समथिंग मेरे को टाइम हो गया था, और फिर मैं आके इतना बुरा थकी थी, मैंने बस गर्म पानी करके थोड़ा, सॉरी मैं बकबक कर रही हूँ आज, तो गर्म पानी में पैर डुबो के बैठ गई थी, और इतना मुझे मतलब हो गया था। और खाना मैंने जब खाया, मतलब नॉर्मली मैं रातों खाना खाती नहीं हूँ, लेकिन कल मुझे इतनी भूख लग रही थी कि तो मैंने सुबह से एक रोटी भी नहीं खाई हुई थी, तो मैंने ना 3 रोटियाँ खा गई, तो भी मेरे को ऐसे लग रहा था भूख, अभी भी मेरी भूख नहीं मिट रही है, और मेरे पैरों में इतना बुरा पेन हो रहा था। सो कल तो थक के सो गई थी, अभी आज अर्ली मॉर्निंग का शूट है, मैं वापस बस नींदों में से उठी थी, अरविंद का फ़ोन आ गया, जीजा क्या कर रहे हो, उठो जल्दी से, एंड फिर आज मैंने बस अपना मुंह धोया है, और क्योंकि यहाँ काजल वाजल फैल रहा था, मतलब वो भी नहीं धोती मैं, बाल बाल कुछ नहीं बनाया, मैं तीज के पास आ गई हूँ, कल तीज अपने ससुराल गई हुई थी जोधपुर, कल तीज जोधपुर गई हुई थी, तो वो कल थी नहीं इसलिए हम नहीं कर पाए थे, और आज मैं तीज के साथ करूँगी, तो तीज के तो मैं लुक की फ़ैन हूँ, और आज देखते हैं तीज क्या शानदार वाला दिखने वाली। अगर आपकी शादी है, घर में शादी है, वेडिंग सीजन स्टार्ट हो चुका है, तो आप प्लीज़ तीज से मेकअप करवा सकते हो, तीज का कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर आ रहा है, और उनका इंस्टाग्राम हैंडल आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, सो डेफिनेटली आप तीज से मेकअप करा सकते हो। तीज के घर आ गई हूँ, और अभी हम अपना मेकअप स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले तो हम जो कल दिवाली वाला लुक था वही वापस करेंगे, दिवाली वाले के लिए नहीं, अदर फोटोज़ वीडियोज़ के लिए, तो फिर मिलती हूँ आपसे। तो ये जैसा का मेकअप स्टार्ट हो चुका है, आज इसने मुझे फिर से सुबह जल्दी उठा के दिखाऊं, पास से भी नजदीकी लाऊं, तो मैं ना, मेरे को भी फ्री हो जाना था, फिर देखना मैं कैसे केयर करती हूँ अपनी स्किन की, 15 दिन चाहिए उस मुझे, पर इनकी आईब्रो तो देख ले एक बार, मेरे सिर्फ ने का जैसी वही यार, ये तो गाँव की लड़की लग रही है प्लीज गाइज, वेडिंग सीजन चल रहा है, फेस्टिव सीजन है, फेस्टिव और वेडिंग, हाँ दोनों, प्लीज आप कॉन्टेक्ट करें इतने प्यारे प्यारे लुक के लिए, अभी देखना इनकी रियलिटी है ना, अभी मेकअप के बाद में देखना क्या बनते हैं ये, ये मेकअप का कमाल से है ना, मेरी ऑडियंस इतनी फैमिलियर हो गई, तीज नहीं होती तो लोग बोलते तीज कहाँ गई, तीज कहाँ गई, आजकल लोगों को तीज में भी इंटरेस्ट आने लगा, वो शादीशुदा है, कितने बच्चे हैं, ससुराल का है। पहले से कितना फर्क आ चुका है, क्या चल रहा है अब ये, मैं इतनी बुरी लगती हूँ क्या, जैसे ये लोग आज मुझे बोल रहे हैं, सब्सक्राइब पर बताना मुझे प्लीज, आप लोग प्लीज वो बता देंगे ना, फिर हार्ट अटैक से मर जाओगे आप, सबके सब लिखेंगे आज ही फायर करती हूँ जॉब से, दवाई 15 मिनट हो गए ना दवाई खाने में, बाद में वहाँ भाग गए, अब कुछ नहीं मिलेगा, एक बार ही ऑफर कर दो, मैं ये है फाइनल टचअप जो लिपस्टिक का होगा, कौन सा शेड है जरा, नो शेड्स हम किसी ब्रांड का ना प्रमोशन नहीं करते, इनकी तो मस्ती वैसे ही माय ग्लैम की है, मनीष मल्होत्रा की, इससे आएगा फाइनल लुक, पोहा बना दो, कर्ल्स वगैरह करने का तो टाइम नहीं है ना, नहीं नहीं मांग लगा दूं पहले, ये वाली थी क्या रात को पहन रखी थी, ये पहन रही थी, देखो इसमें मजा क्या, कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ता ही है, फेमस भी इनको होना है, और वापिस से बोलना क्या बोल रहे हो, इतनी बार तो मेरे पति ने मेरी मांग नहीं भरी जितनी तीज ने भर दी है मेरी 1.5 सालों में, ऊपर देखो कितनी फेस पे है ना, मैं सेकंड हैंड लूंगा हस्बैंड, आप मम्मी तलाक ले दिलवाओगे क्या दोनों ही, नहीं आपके हस्बैंड भी बोलेंगे नहीं करना ब्लॉग और इसलिए सामने आगे दोनों के, तो माता जी वाला लुक आ रहा है, ये नहीं कौन सी माता जी पूरी पड़ती क्या,
थोड़ी तो हाँ तो इतनी तो अच्छी लगती है ये सुंदर ही बोला ना माता जी से मेरे को लगा आज जीजा की ज्यादा बेइज्जती होगी इनको, अब तारीफ भी इनको बेइज्जती लग रही है। ऐसा क्यों है? एक ही है वो मेकअप हमारा कंप्लीट हो चुका है और आप खुद खुद देख सकते हो कितना सुंदर मेकअप करती है तीज। अरविंद कैसा लग रहा है? बहुत प्यारा लुक देती है तीज हमेशा, लेकिन मैं बिना मेकअप के अच्छा लग रहा हूँ। तो आप डेफिनेटली 30 से चेकआउट कर सकते हैं। अंदर कितना काले थे और कितने बुरे हो गए और आप काले हो गए। तो हाँ उसके नंबर मैं डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में, तो आप 30 से कांटेक्ट कर सकते हो। तो बुआ जी हो गए हैं तैयार और बुआ जी चल रहे हैं वीडियोग्राफी के लिए। हील छोटी है मेरे। कॉन्फिडेंस देखो इनको, तैयार होके स्कूटी चला रहे हैं। अंकल देखते हुए जा रहे हैं कि कौन पागल है। ठीक है मेरी शादी हो रही है, आ जाना रिसेप्शन में। ठीक है जीजा बाय। बोला वेट कर रहा है वो देखो कैसे देखते हुए जा रहे हैं लोग बाग इनको। ये अंकल भी ऐसे देख रहे हैं इनको। लोग बाग इनको ऐसे देख रहे हैं, वो तो अभी तक देखते हुए जा रहा है वो बंदा। देखो इनका फाइनल लुक ये देखो, मेरे को मारोगे क्या? आ जाओ तुम ठीक है, जाओ आगे। कितना रिस्की काम है और ऐसे लोगों के साथ बैठ के जाना जो ऐसे टोकते टोकते लेके जाते हैं। ये आ चुके हैं, स्कूटी इन्होंने पार्क करी वहाँ पे। और कहाँ पे आए अपन? सेंट्रल पार्क। और कोई हमें लोकेशन नहीं मिली इसलिए हम यहाँ पे आ चुके हैं, लेकिन सबसे बेस्ट लोकेशन यही है। हील। इन्होंने जो हील कबाड़ी है वो भी टूटी हुई लग रही है शायद। टूटी हुई नहीं, टूटी हुई नहीं, छोटी है। इतना शोर क्यों कर रही है? तो हम लोग पार्क में आ चुके हैं, फाइनल लुक ये है और अभी हम यहाँ शूट करेंगे अपना। क्या सो मेकअप एज ऑलवेज हमारी तीज करती है, बहुत प्यारा लुक देती है। एंड आप लोगों को ये रहता है कि तीज जयपुर में रहती है तो जयपुर में ही करती है, नहीं आप किसी भी सिटी से बिलोंग करते हो तीज को मेकअप आर्टिस्ट एज ए हायर कर सकते हो, तीज वहाँ आ जाएगी। और उसके अलावा जो ज्वेलरी मैंने पहनी है वो गोल्ड पैलेस ज्वेलर की है जो कि है जयपुर से। इस व्लॉग में मैं जितनी भी ज्वेलरी वेयर कर रही हूँ सब वहीं से है। और सबसे अच्छी चीज़ इस ज्वेलरी की ये है, यू नो ये सिल्वर ज्वेलरी है, इसके ऊपर गोल्ड पॉलिश है, सो आप पता भी नहीं कर पा रहे हो, तो बहुत अच्छी चीज़ है। बाकी जो मैंने ड्रेस पहनी है ये है रंगजरी परिधान से, जिनका मैं इंस्टाग्राम लिंक है वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। उनकी बहुत बहुत प्यारा उनके पास में कलेक्शन है, सो आप ट्राई कर सकते हैं उनसे डेफिनेटली। और अब हम हमारा फोटोशूट वगैरह यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं। भी है ना दी आए हैं, फ्रेंड भी हैं, बड़े हैं तो दी हैं, हमारे जिम में ही आते हैं तो हम लोगों का वैसे बॉन्ड है, तो मैं दी को बुला लिया था पास में ये दी का घर। हेलो आ जाओ दीदी, अपने भतीजे को लेके आए। हेलो बुआ, नहीं बुआ नहीं है ना, आ जाओ। शक्ल मेकअप की शक्ल देख के डर रहा है वो। हेलो बेबी, अरे 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 अब कौन क्या हो रहा है वहाँ पर? हेलो क्या हो रहा है वहाँ पर? परमिशन लेने जा रहे हैं, पूजा की थाली दे दो। हमें परमिशन मिल चुकी है अंकल जी से, पंडित जी। हमने काफी चीजें बना ली है बट एक रील हमें बनानी है जो अरविंद कल से जिद करके बैठा है, वही जुगाड़ करके लाया, मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए इसकी क्रिएटिविटी, देखिए कहाँ कहाँ से क्या उठा के लेके आया, अब क्या करने वाला है इसके साथ, वो आपको रील में पता चल जाएगा। हाँ वो आपको रील में पता चलेगा क्या। ये हमारा कुछ जुगाड़ हुआ है, अरे मेरे को बता दो, बैठना है क्या अभी इनको, मैं पोज बताने वाला हूँ बस। जल रहा है क्या साइड से? ठीक है डन, स्टार्ट फटाफट फटाफट। क्या हुआ? आंखें पूरी वो हो गई, जल गई धुएं से क्योंकि बहुत ज्यादा गर्म था ये।
तस्वीर बनी। ये है लक्ष्मी माता और इनकी ये जोत जल रही है आज। ये मैंने इनकी जोत करी है आज। माता लक्ष्मी थोड़ा धन दीजिए, थोड़ा धन दो। आके मैंने चेंज कर लिया है और मेकअप तो हम एज इट इज रखेंगे, थोड़ा सा आईज का डिफरेंट करेंगे। जूलरी मैंने दूसरी निकाल ली है, अब चंदेल की पोशाक पहनूंगी। और तीज इतनी मतलब हमारे लिए पोहे बना रहे हैं सुबह से दोनों ने, ना हमने ब्रेकफास्ट किया है ना हमने कुछ, ना सुबह से हमने ब्रेकफास्ट किया ना खाना खाया है, तो तीज हमारे लिए पोहे बना रही है। बहुत 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 स्वीट है। तुम हमारे लिए इतनी मेहनत कर रही हो भाई, क्यों ना ले मेकअप भी करवाते हैं खाना भी खा रहे हैं। तो बड़ी अच्छी है ना। सो तीज लेके आ चुकी है पोहे और दही और ये देखिए भंडारा। नहीं मैं तुम्हें नहीं दिखा रही, मैं दिखा रही हूँ नहीं दिखा। सो अभी हम बस थोड़ा सा हल्का फुल्का स्नैक्स पोहे खाएं। कैसे बने? मस्त बने। राजपूती में देखा है कुछ और डिफरेंट लुक में चाहिए, लहंगे में, एंगेजमेंट लुक, मेहंदी लुक और साड़ी में, तो प्लीज हमें कॉमेंट करके बताना, हम उसके ऊपर भी आप लोगों के लिए पक्का मतलब पूरा फुल मेकअप ट्यूटोरियल ऐसे का वीडियो लेके आएंगे। और अभी तीज मेरा थोड़ा टचअप कर रही है क्योंकि सेकंड ड्रेस पहनी है। बाल को मैं नहीं खोलूंगी, बाल पतला होने की दवाई है मेरा राम। पतले होने की भी दवाई आती है क्या पागल? सबको पता है मैं बीमार हूँ। क्या बीमार है? कौन सी बीमारी बता दो जरा, ये भी बताओ व्लॉग में बताओ। तुम जैसे लोगों से डील करने की एंजाइटी, डिप्रेशन है। अरे नहीं ये मान भी जाता है यार, हार्मोन्स हुआ है ना मेरे को। ये देखो अफीम लेते हुए पैक, एक पैक बना दे यहाँ, फिर देख मेरे झटके कॉपीराइट आ जाएगा। दीप ने बुला दे यहाँ, सपना ने बुला दे, ये तो पूरा गाना सपना के लिए बना है। आराम से देखो चीन जी, बस ठीक है। चढ़ गई मुझे हनी, चकना वकना लाओ। चकना वकना नहीं यार, ये तो कॉपीराइट आ जाएगा तो अपन एक बार ये भी मुझे गाने से नियत है, एक बार ये भी कर देख लो कितना सुंदर होता है इसका। हां हमारा ये भी देख लो, इस मेहनत देखो आप पीछे की, ऊपर से बहुत सुंदर सुंदर चीजें दिखती है। बीटीएस बिहाइंड द सीन। यस सो ये था हमारा सेकंड लुक। हमने पहनी चंदी जी की पोशाक, ये अंगरख के परिधान से है। जूलरी मैंने आपको बताई थी, ये भी बहुत सुंदर लुक है तीज ने दिया। इसमें आईज का मेकअप थोड़ा चेंज किया है आप देख सकते हो। और अब हम जा रहे हैं वापस लोकेशन पे शूट के लिए। शुरू और तुम जो कल तीसरा लुक, ये फिर से स्कूटी पे, ये फिर से स्कूटी पे। धूप लग रही है, धूप है, सोचो कि भूख है। हीरोइन बिन तो गुल लग रही, लेकिन भाई मैं कालो जाऊं। फोटो के भयंकर है यार। कानू क्या है, खतरनाक है ये वाले को है। ये है शूट के बाद की हालत, इतनी हैवी इयररिंग्स पहनने का नतीजा देखो, कानों से खून है भी। ओ शिट, कानों की बहुत बुरी हालत हुई है मेरी इन वीडियोस के चक्रों में। कानों की, बालों की कैसी हालत हो गई आज जीजा की? जाते ठंडे पानी से नहाऊंगी आज। देखो ये वाला इयररिंग, ये वाला ईयर देखो मेरा, एक बार ये वाला इधर वाला। सो फाइनली हमारे शूट कंप्लीट हो चुके हैं, एक ड्रेस और बची है लेकिन अब हम उसमें नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग कल 11 बजे से लगे और हम बहुत ज़्यादा थक गए, ना तो कल से खाना प्रॉपर खा पा रहे हैं, ना मैं अपनी दवाइयाँ ले पा रही हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा थकान। और मैं सीरियसली बता रही हूँ, मैं तो नहा भी नहीं पा रही हूँ। सो बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो रखा है, इतना थकान भी हो गई है, फेस्टिव सीज़न है। लेकिन फाइनली हमारा 3 पोशाकों में कम्प्लीट हो चुका है, बाद में करेंगे हम दिवाली के बाद में। अब जाके मैं नहा धो के और मैं सोऊंगी, रेस्ट करूंगी बस। सो पहले चलते हैं और ये सब मतलब चेंज करते हैं। सो फाइनली शूट से मैं अब फ्री हुई हूँ एंड अभी बज रहे हैं 6:30 एंड कल पूरा 3 लग गया था, 11 बजे स्टार्ट किया था मैं, कल 10:45 ऐसे घर पर पहुँची थी। आज सोचा था 2 घंटे में शूट हो जाएगा, जिसमें इवन एक ड्रेस का तो हमने किया ही नहीं, एक पोशाक का किया ही नहीं, इतना पूरा थक गया ना कल से। अब घर आई हूँ, घर तो मतलब मैं 4:30 बजे आ गई थी,
फिर मैं उसी टाइम मम्मी को कांटे पे छोड़ के आई, ज्वेलरी पोशाक सब करा, मतलब अब मैं घर आई हूँ, खाना खाऊंगी क्योंकि सुबह से पोहे खाए हुए हैं, खाना खा के फिर शावर लूँगी गर्म पानी से। और मम्मी गई है मासी के, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना 4 तारीख की शादी है, तो उसकी वो कुछ काम वाम है, तो फिर मैं खाना वाना बनाऊँगी। सो ये है, बहुत बहुत ज़्यादा थकान हो रही है। सो शावर मैंने ले लिया है और थर्सडे है, इस वजह से हेड वॉश नहीं किया, हेड वॉश भी करना था। और मैंने अपनी इयरिंग्स और नोज़ पिन दोनों उतार रखे, नोज़ पिन तो वापस पहनूंगी थोड़ी देर में क्योंकि नहीं ऐसे उतारते, बट मेरे इतनी ज़्यादा पेन हो रहा है ना अभी 2-3 दिन से जो नथवत पहन के। सो अब बस मेरी आँखें आप देख सकते हो कैसी हो रखी है, जाके बस मैं सोऊंगी और इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड कर रही हूँ। इतनी मेहनत कर रही हूँ, उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आया, फोटोज रील्स बहुत अच्छी है, उसके लिए आप इंस्टा पे मुझे फॉलो कर लेना, एंड होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा, सो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर देना।